हाँ जी, सत श्रीकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी लाइफ के कुछ ऐसे स्पेशल और रेयर एक्सपीरियंसेस के बारे में। व्हेन आई वाज रियली अप क्लोज विद द एनिमल्स, कजाकिस्तान के ईगल्स एंड फाल्कन्स, ग्रीनलैंड के स्लेट डॉग्स, उड़ीसा के टर्टल्स, अंडमान में रॉस आइलैंड के हिरन, और फिर गुजरात में ऑक्टोपसेस, और रशिया में बलूगा व्हेल्स। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी थिंग, एवरी डिटेल अबाउट दिस एक्सपीरियंसेस, ताकि आप लोग भी जाके यू कैन हैव दिस एक्सपीरियंसेस एज वेल। सो या, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे फेवरेट एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि है ग्रीनलैंड के स्लेट डॉग्स। तो मैंने स्लेट डॉग्स सबसे पहले देखे थे किसी मूवी में, और फिर मैंने देखा कि यार ओके, लाइक कितना कूल है ना, ऐसे कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और ऐसे प्यारे प्यारे से कुत्ते हैं, देन यू हैव अ स्लेड, और ऐसे पांच छह कुत्ते आपके स्लेड को खींच रहे हैं। सो आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय यू नो द आइडिया ऑफ इट। तो मैंने किसी तरीके से ग्रीनलैंड में स्पॉन्सर्स ढूंढे अपने लिए, और मैं पहुंचा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पहुंचने के लिए यू हैव टू फ्लाई थ्रू डेनमार्क और थ्रू आइसलैंड। और ग्रीनलैंड में दो ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वन इज़ कॉल्ड कंगलुत्सुवाक और वन इज़ कॉल्ड इलुलिसात। तो मैं कहता थ्रू इलुलिसात। इलुलिसात इज़ अ प्रॉपर सिटी टाइप, से टाउन टाइप है, और इतना वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है कि जो सी का सरफेस है पूरा जमा हो, लाइक देयर आर आइसबर्ग्स फ्लोटिंग अराउंड बट सी का सरफेस जमा नहीं होता है। तो फिर वहाँ से मैं चला गया उमनाक। उमनाक वॉज लाइक ऐसे रिमोट आइलैंड है, और इतना रिमोट है, इतना छोट, मतलब उसका सरफेस ऐसा है कि वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन सकता। तो देयर इज़ अ नियर बाय आइलैंड कॉल्ड कारसूत, वहाँ तक प्लेन आता है, और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर में यू कम टू उमनाक। तो मतलब कि उमनाक तक पहुँचने का सफ़र ही इतना अच्छा है, इतना लाइक यू नो फैसिनेटिंग सा है। और मैंने हेलीकॉप्टर में से फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे सी आइस पे ऐसे बहुत सारे स्लेड डॉग्स बंधे हुए थे। तो लाइक जैसे एक बंदे के पास 10 से 12 तक स्लेड डॉग्स हो सकते हैं। तो लाइक उन्होंने ऐसे सी आइस पे अपनी अपनी जगह रख रखी होती है कि ओके, ये मेरे डॉग्स के लिए, ये तेरे डॉग्स के लिए, ऐसे करके। तो जब मैं पहुंचा उमनाक, तो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस चिल्ड्रंस होम। तो चिल्ड्रंस होम का एक अलग कॉन्सेप्ट है यूरोप में, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो वो लोग मेरे को फर्स्ट टाइम लेके गए डॉग स्लेड पे। तब मतलब इतना कोई ज़्यादा यू नो अपना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया, बिकॉज जो डॉग स्लेड चला रहा था बंदा वो कोई और था, और मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पे। तो आई वाज जस्ट आराम से बैठा हुआ था मैं स्लेड पे, मैं कुछ कर नहीं रहा था। फिर आई मेट मार्टी, मार्टी फ्रॉम ग्रीनलैंड फ्योर टूर्स। तो मार्टी मेरे को पहले दो तीन बार लेके गए अपने साथ फिशिंग करने, आर्कटिक फिशिंग करने, और देन लाइक वी प्लान्ड ए ट्रिप टू अ नियर बाय आइलैंड, जो कि 3-4 घंटे का डॉग स्लेड से जाएँ। तो हाँ, तो मैंने मार्टी को बोला कि यार मार्टी, आई रियली वांट टू हैव अ डॉग स्लेड ऑफ माय ओन, मेरा बहुत मन है कि मेरे खुद के डॉग्स हों, खुद की स्लेड हो, और मैं खुद ये सब कर रहा हूँ। तो फिर हम गए एक बाजू के आइलैंड में, वहाँ से हमने 3-4 नए कुत्ते लिए, और उन कुत्तों को लेके देन अभी मार्टी के पास टोटल ऐसे 16-17 कुत्ते हो गए थे। तो लाइक गुड इनफ फॉर हैविंग लाइक टू डिफरेंट स्लेड्स। तो मार्टी ने अपने लिए शायद उसने 8-9 कुत्तों की स्लेड रखी थी, और मेरे लिए इट वॉज 5 कुत्ते। तो मेरे को उसने लाइक इंटेंशनली ऐसे कुत्ते दिए थे जो ज़्यादा फास्ट ना हो, कि ऐसा ना हो कि मतलब वो भाग जाएँ, मेरे को कंट्रोल करने ना आए और वो भाग जाएँ। तो मार्टी ने इंटेंशनली मेरे को थोड़े से स्लो कुत्ते दिए थे, बट स्टिल इट वॉज लाइक अजीब ही फन एक्सपीरियंस था। एक तो इतनी ठंड थी, -30°C, और इतनी ठंड में उन कुत्तों को कंट्रोल करना, मेरे को बताया था मार्टी ने कि ओके, रोकना कैसे है और चलाना कैसे है और तेज़ कैसे भगाना है। तो मतलब फिर भी मतलब वो सब थियोरेटिकल था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीधे ही ऐसे कि चलो ये तुम्हारी स्लेड है और तुम अपने आप, तुम लाइक यू आर ऑन योर ओन, मैं अपनी स्लेड पे जा रहा हूँ। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मैंने डॉक्यूमेंट करा हुआ है मेरे ग्रीनलैंड सीरीज़ के व्लॉग नंबर 8 में। तो व्लॉग नंबर 8 और व्लॉग नंबर 9 में पूरा ग्रीनलैंड का वाइल्ड एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंटेड। आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऊपर कार्ड भी डाल दूंगा, सो यू कैन गो एंड वॉच दिस। तो यार ग्रीनलैंड में लाइक ऐसे खुद तो आप नहीं कर पाओगे डॉग स्लेड, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर हो जाएगा, बट यू कैन स्टिल गो देयर, और यू कैन बुक डॉग स्लेडिंग टूर। वैसे दिन में यू कैन लाइक 4 घंटे यू कैन बी ऑन द सी आइस एंड यू नो एंजॉय डॉग स्लेडिंग एंड पेट दीज अमेजिंग डॉग्स। एक जो मिसकंसेप्शन है यहाँ पे लोगों को कि सिर्फ हस्कीज ही होते हैं बर्फ़ में जो रहने वाले कुत्ते होते हैं, सिर्फ हस्कीज ही होते हैं। तो मेरे को बहुत सारे लोग जैसे उन फोटोज़ में बोलते हैं कमेंट करके कि अरे हस्कीज हैं,
बट जो हस्कीज हैं वो कनाडा में या फिनलैंड लैपलैंड में पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड का खुद का एक नेटिव डॉग है विच इज़ कॉल्ड ग्रीनलैंडिक डॉग। तो जो ग्रीनलैंडिक डॉग है वो क्लोजेस्ट है वुल्फ से जेनेटिकली। तो व्हेन यू गो अप क्लोज टू दिस डॉग तो आपको ये लगेगा कि यार वुल्फ है। सो या इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस। हाँ जी, तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में जो कि हैं वीगो। वीगो इज़ एन ऐप, इट्स अ वेबसाइट वेयर यू कैन बुक योर होटल्स एंड योर फ्लाइट्स एज वेल। सो आई यूजली यूज़ वीगो टू बुक माई होटल्स बिकॉज वीगो क्या करता है, जितनी भी और वेबसाइट्स हैं उनसे प्राइसेस ला के कंपेयर करके आपको देता है बेस्ट रिजल्ट्स एंड देन यू कैन यू नो सॉर्ट योर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द प्राइसेस, बेस्ड ऑन द रेटिंग्स। एंड वीगो इज़ अवेलेबल इन 130 कंट्रीज, सो होपफुली मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ वीगो अवेलेबल होगा ही होगा। सो डू चेक इट आउट, आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब आते हैं हमारे सेकेंड एक्सपीरियंस पे विच इज़ फाल्कन्स एंड ईगल्स ऑफ कजाकिस्तान। तो 2017 में मैंने देखा था मंगोलिया के ईगल हंटर्स को, तो मैंने किसी मैगजीन में देखा था, कहीं ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखा था एंड देन आई वॉन्टेड टू यू नो हैव दिस एक्सपीरियंस। तो मैंने सर्च किया मंगोलिया, बहुत कॉस्टली पड़ रहा था मेरे को जाने के लिए, तो मैंने सर्च किया तो कजाकिस्तान में भी ये ट्रेडिशन है। 17 में जब मैं गया था अक्टूबर में, तो आई वॉज देयर फॉर 2 वीक्स, तो थ्रू इंडी गाइड एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप टूर्स ढूंढ सकते हो। तो इंडी गाइड पे मैंने टूर देखा और मैंने बुक कर लिया ईगल हंटिंग वाला टूर। तो फ्रॉम देयर आई मेट रुस्लान। तो रुस्लान को जब मिला था उसके पास 2-3 ईगल्स थे और हम उसका एक बड़ा सा ईगल लेके गए। तो तभी हमारा पर्पस बस ये था कि अच्छे फ़ोटोज आने चाहिए, बिकॉज मैंने एयर अस्ताना को बोल रखा था कि मेरे को स्पॉन्सर कर रहे थे एयर अस्ताना, तो मैंने उनको बोल रखा था कि मैं आपको फ़ोटोज़ ला के दूंगा ईगल हंटिंग वाली अच्छी। तो दैट वॉज जस्ट लाइक वो दिखाए वाला ट्रिप था कि हम ईगल को लेके गए, घोड़ा लिया और फ़ोटो खींचे। लेकिन मेरे अंदर का वो जो था कि नहीं यार, मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी सही से। तो जब 18 में मैं दोबारा गया तो आई मेट रुस्लान अगेन। तो मैं और रुस्लान कैंपिंग करने गए वीकेंड पे कहीं जंगलों में ऐसे ही। तो तब उसके पास 3 फाल्कन्स थे, छोटे फाल्कन, जिनको उसने अभी ट्रेन करना था। तो तब आई सॉ कि कैसे ट्रेन करते हैं फाल्कन्स को। उसके बारे में भी 2 ब्लॉग्स हैं प्रॉपर, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा, इधर कार्ड भी आ जाएगा आपको। जो मिसकंसेप्शन है ईगल्स मतलब ईगल हंटिंग के बारे में वो ये है कि जब सुनते हैं हम तो ईगल हंटिंग इट मींस कि हम ईगल्स को हंट कर रहे हैं। तो ईगल हंटिंग इज़ नॉट हंटिंग ऑन द ईगल्स। तो ईगल हंटिंग इज़ नॉट हंटिंग ऑन द ईगल्स। ईगल हंटिंग इज़ कि आप ईगल्स को यूज़ करके यू आर हंटिंग ऑन लाइक रैबिट एंड फॉक्स एंड इवन लाइक वुल्फ्स। मैंने वीडियोस देखा है कि 2-3 ईगल्स मिलके एक वुल्फ को भी हंट कर सकते हैं। तो इसमें फंडा क्या है कि यहाँ पे कजाकिस्तान में स्टेप्स होते हैं, वो लाइक ऐसे खुले मैदान होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें यू कांट हंट ऑन अ रैबिट और अ फॉक्स। तो खाने पीने के लिए कहाँ से लेके आएंगे मीट, तो इसलिए दे यूज टू ट्रेन देयर ओन ईगल्स। जैसे दिल गो टू वेंटेज पॉइंट घोड़े पे बैठ के विद देयर ईगल विद द फाल्कन और ईगल जो भी, एंड उसको लाइक ईगल की नज़र बहुत तेज़ होती है, फाल्कन की तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ईगल और फाल्कन की नज़र बहुत तेज़ होती है एंड दे कैन स्पॉट दूर से कि वहाँ पे देयर इज़ अ रैबिट यू नो फॉक्स, और वहाँ से ईगल टेक ऑफ करेगा एंड देन जो बंदा है घोड़े पे ही विल फॉलो द ईगल और आगे जाके ईगल पकड़ लेगा फॉक्स को या रैबिट को एंड देन उसको हम कोई और डमी मीट दे देते हैं। डमी एज इन नॉट डमी मीट, लाइक पहले का मीट पड़ा हुआ उसको दे देते हैं ईगल को कि तू ये खा एंड वी टेक द फॉक्स और द रैबिट फ्रॉम द ईगल। तो ईगल और फाल्कन में डिफरेंस ये होता है कि फाल्कन इज़ रियली फास्ट और लाइट वेट, तो उसका ये भी समझ आता है कि इट cannot hunt on bigger animals, लेकिन ईगल जो है इट कैन हंट ऑन वुल्फ्स, जैसे बताया आपको पहले मैंने आपको। तो ये जो हमने एक कैंपिंग ट्रिप किया था उसमें मैंने सीखा ये सब चीज़ें कि कैसे सिखाते हैं एक फाल्कन को हंट करना। तो या यू कैन गो एंड वॉच दोज व्लॉग्स। यहाँ पे जाने के लिए कजाकिस्तान दिल्ली से मुंबई से अलमाटी के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं, तो वेरी चीप and from there you can book some tours on IndieGuide या फिर I'll try to mention Ruslan's Facebook description में
एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड डायरेक्टली आप टूर बुक कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कमीशन टू इंडी गाइड। ओके, तो दो एक्सपीरियंसेस हो गए। तीसरा एक्सपीरियंस जो है वो है हमारे इंडिया का ही, उड़ीसा में। उड़ीसा में मास नेस्टिंग होती है टर्टल्स की। सो इज अ टर्टल कॉल्ड ऑलिव रिडली टर्टल। तो ये जैन फेब में लाइक दे कम इन ह्यूज नंबर्स, लाखों में टर्टल आते हैं। तो क्या करते हैं कि दे मेट ऑन द शोर पानी में, और फिर जो मेल्स होते हैं वो चले जाते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं दे कम टू द शोर और अपनी नेस्ट बनाती हैं, उसमें अंडे देती हैं, नेस्ट को बंद करके चली जाती हैं। दैट्स इट, कोई उनका वो नहीं है कि बच्चे को पालना पोसना, ऐसा कुछ नहीं सीन है। अंडे दिए और चले गए, अब बच्चे अपने आप पे ही हैं। तो ये क्या होता है कि तकरीबन 120 से 150 अंडे देती है एक फीमेल एक नेस्ट में, और उसमें से 10% ही बचते हैं, क्योंकि पहले तो बाहर आएंगे, ठीक है, और फिर उनको नेस्ट से चल के जाना पड़ता है सी शोर तक। तो उसके बीच में ही कौए और चील भी ला के खा जाते हैं आदों को। बाकी जो पानी में चले गए हैं वो भी काफ़ी मर जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने एवोल्यूशन क्या करा है कि हम इतने सारे अंडे दे देंगे, जैसे हमने 120 अंडे दे दिए, अगर उसमें से 10 भी बच गए तो दैट्स गुड एनफ। तो उड़ीसा में क्या हुआ था कि दे यूज़ टू कम, बहुत टाइम से आ रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे कोई टर्टल पैदा होता है वो अंडे देने वहीं पे आता है वापस। तो ये काफ़ी टाइम चल रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन ह्यूमंस ऑब्वियसली तो क्या कर रहा है, लोगों ने क्या कर रहा है कि देखा कि अंडे पड़े हैं तो उन्होंने अंडे खाने शुरू कर दिए। जो अंडा होता है टर्टल का वो बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, ऐसे पिचकू पिचकू सा होता है, ठीक है, बहुत ही, लेकिन फ्री का अंडा है, चाहे टेस्ट अच्छा नहीं भी कर रहा है लेकिन फ्री का है, तो लोगों ने खाने शुरू कर दिए। इससे टर्टल्स की थोड़ी सी कम होनी शुरू होगी पॉपुलेशन, लेकिन फिर लोग वकालत शुरू हुई और लोकल कमेटी बन गई एक, प्लस फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने दे स्टार्टेड कंजर्विंग द टर्टल्स। तो ये जो बीच है इसका नाम है ऋषिकुल्या बीच। ऋषिकुल्या पहुंचने के लिए यू कैन फ्लाई डाउन टू भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से बस लेके यू कैन गो टू रंभा, और रंभा से कोई भी टैक्सी या ऑटो लेके यू कैन गो टू ऋषिकुल्या बीच। रंभा में इसलिए बिकॉज रंभा में स्टे ऑप्शंस हैं, ऋषिकुल्या में स्टे ऑप्शंस नहीं है। तो ऋषिकुल्या पहुंचने पे आपको वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कि भाई हमें बीच पे जाना है, तो वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं तो अलाउड नहीं है ऐसे, सो यू कैन टेक द परमिशन। प्लस रात को जनरली जो नेस्टिंग होती है वो रात को होती है, रात को टर्टल्स आते हैं, तो रात को अगर आप जा रहे हो तो टॉर्च लेके जाइए साथ में। ऐसे टर्टल की आँख में नहीं डालनी है टॉर्च, लाइक पीठ पे डाल के कहीं और डाल के जस्ट लाइट इट अप ताकि आप देख पाएँ। तो टर्टल्स नेस्ट अपनी खोदते हैं, उसमें अंडे देते हैं, सुबह तक बंद करके उसको दे गो बैक। तो जैसे अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है, जैसे आपको दिखता है कि लाइक सी ऑफ टर्टल्स, बहुत सारे टर्टल्स रहते हैं। तो उसके लिए भी वीडियो बना रखा है मैंने, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कार्ड वो है। तो जो नेस्टिंग का टाइम होता है ये कोई सर्टेन नहीं होता है, ये लाइक जैन और फेब के बीच में कभी भी, लाइक ये क्या होता है कि जो फिनोमिना शुरू होता है वो शुरू होता है दिसंबर में, लेकिन कम टर्टल्स होते हैं, बहुत ही कम टर्टल्स आने शुरू होते हैं। जो पीक होता है वो फेब और जैन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो कोई ऐसी पक्की डेट नहीं होती कि भाई इस डेट को पीक पे होगा, तो यू हैव टू लाइक हैव सम लोकल कॉन्टैक्ट वहाँ के लोगों से, जैसे ऋषिकुल्या कमेटी है या फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनसे आप पूछते रहिए कि कब पीक होने वाला है। तो जैसे मेरे को तो इंस्टाग्राम पे कोई मेरा फ्रेंड था, तो उसके थ्रू आई केम टू नो कि ये पीक होने वाला है, ये कल को पीक होगा, तो मैंने आज रात को बैठ के सुबह की फ़्लाइट बुक करी भुवनेश्वर की और मैं चला गया। सो इट हैज़ टू बी लाइक वेरी इम्प्रॉम्प्टू, इट कैनॉट बी प्लान्ड, ठीक है। तो या दैट वाज अबाउट इट। इसके बाद आते हैं हम नंबर फोर पे। नंबर फोर है रॉस आइलैंड अंडमान। तो मैं इस साल जनवरी में आई वॉज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मैं निकोबार के ट्राइबल्स की लाइफ देखने गया था। तो वाइल आई वॉज इन पोर्ट ब्लेयर, तो मेरा जो लोकल फ्रेंड था उसने मुझे बताया कि रॉस आइलैंड पे देर इज़ अ टूर गाइड नेम्ड अनुराधा। तो अनुराधा जी जो हैं वो मतलब यहाँ की ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, शुरू से यहीं पर रही हैं वो, तो उन्होंने शुरू से देखा है रॉस आइलैंड को। वहाँ पे हिरन पहले कम होते थे लेकिन अभी उनकी कंजर्वेशन शुरू हो गई है, तो देर लाइक 400 डियर, और पीकॉक्स हैं, स्क्विरल्स हैं बहुत सारे, लेकिन पीकॉक स्क्विरल्स तो हमने यहाँ पे देखते रहते हैं ना, लाइक इट्स कॉमन।
जो एग्जॉटिक है वो डियर, और डियर भी ऐसे नहीं कि देख लिया दूर से, यू कैन एक्चुअली पेट देम, यू कैन एक्चुअली फीड देम. तो मैंने लाइक खुद अपने हाथों से फीड किया उनको ब्रेड, और पेट किया डियर को, तो काफ़ी से एक्सपीरियंस था. तो यहाँ पे कोई भी सीज़न नहीं है, कभी भी जाइए आप, यू कैन सी द डियर. पहुँचने के लिए वी कैन फ्लाई डाउन टू पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से बोट चलती है रॉस आइलैंड के लिए, रोज़ शाम को चलती है, मतलब दिन में चलती रहती है, इट्स लाइक 15 मिनट्स की जर्नी है. इसका नाम चेंज हो गया है रॉस आइलैंड का, इट इज़ कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है. तो लेकिन फिर भी आप किसी को बोलेंगे रॉस आइलैंड जाना है तो रॉस आइलैंड एवरीबडी नोज कि रॉस आइलैंड कौन सा. एनीवेज, तो ये था हमारा नंबर फोर. नंबर फाइव जो था, नंबर फाइव जो है वो भी इंडिया से ही है, गुजरात से. तो कुछ साल पहले 17 में ही आई गेस, आई वॉज ऑन अ रोड ट्रिप गुजरात में विद माई मॉम एंड डैड. तो मैंने क्या करा, मैंने अहमदाबाद की फ़्लाइट बुक करी और वहाँ से गाड़ी ले ली, रेंटल गाड़ी. एंड देन आई वॉज लाइक डूइंग अ पूरा ट्रिप, रोड ट्रिप अक्रॉस गुजरात. तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है निराड़ा मरीन लाइफ सेंचुरी. यहाँ पे क्या होता है कि लो टाइड में, आप समझते होंगे हाई टाइड एंड लो टाइड, तो लो टाइड में जब पानी रिट्रीट कर जाता है तो जो छोटे छोटे लाइक ऐसे होल्स बने होते हैं या थोड़े से पॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, नीचे, तो उसमें कुछ एनिमल्स, कुछ सी लाइफ रह जाती है, कुछ फिशेज, ऑक्टोपसेस, ये सब चीज़ें. तो वहाँ पे आप एक गाइड बुक करिए पहले, बिना गाइड के कुछ नहीं देख पाएंगे, लाइक यू कैन सी अ फिश और वन और टू फिशेज, दैट्स इट. लेकिन अगर आपको ज़्यादा लाइफ देखनी है तो यू कैन यू नो हायर अ गाइड. तो गाइड आपको लेके जाएगा अंदर लो टाइड में. जैसे आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाइए वहाँ पे, मतलब पहले गाइड से आप नंबर वंबर लेके उसका पूरा उसे, आई ट्राई टू फाइंड द नंबर और मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. तो जो टाइड टाइमिंग है दैट वेरीज एवरी डे, तो यू कॉल हिम अप फर्स्ट एंड देन आस्क हिम कि क्या टाइमिंग है टाइड के आज, तो उस हिसाब से आप जाइए. वंस यू आर देयर, तो आप यू वॉक इन टू द सी, ठीक है, एंड देन देयर यू कैन सी लाइक क्रैब्स, पफर फिश, ऑक्टोपस, देन यू कैन ऑल्सो सी लाइक स्टिंग रेज. लेकिन उसका टाइम होता है, उसका सीजन होता है. मैं नहीं देख पाया था स्टिंग रेज. तो बारिश शुरू हो गई, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं वीडियो को. इसके अलावा मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो श्रीलंका में, एक तो रहा है वेल देखने का. तो श्रीलंका में मिरिसा में आपको वेल्स दिखती हैं और त्रिंकोमली में भी आपको वेल्स दिखती हैं. आई वेंट टू त्रिंकोमली, लेकिन मैं देख नहीं पाया था, थोड़ा दूर रह गई थी वेल. सो त्रिंकोमली में यू कैन हायर अ बोट एंड देन यू कैन गो इन टू द सी. आपको वेल दिख जाती है तो उनको बोलते हैं कि डाइव करो, बिकॉज यू कॉन्ट गो क्लोज टू द वेल इन अ बोट, बस बोट से आवाज़ आती है. तो आपको बोलते हैं कि आप जंप करो एंड यू कैन, यू हैव टू स्विम क्लोजर टू द वेल. अब भाई वेल इतनी बड़ी है, एक तो वैसे ही डर लग रहा होता है कि भाई वेल के पास जा रहे हैं, ऊपर से स्विमिंग नहीं आती है. सो आई डोज उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. लेकिन रशिया में, तो रशिया में आई वॉज इन सोलोवेस्की आइलैंड्स. तो सोलोवेस्की आइलैंड्स थोड़ा नॉर्थ में पड़ जाते हैं आइलैंड्स रशिया के. लाइक आई हैड माई बेस्ट टाइम इन सोलोवेस्की आइलैंड्स रशिया में, पूरे ट्रिप में. मेरा एक महीने का ट्रिप था रशिया का, तो उसके भी व्लॉग्स हैं. इनफैक्ट इस वाले एपिसोड, लाइक ये जो सोलोवेस्की आइलैंड का अलग से व्लॉग है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा और यहाँ पर कार्ड आ जाएगा. तो यहाँ पे देयर इज़ अ वाइट डॉल्फिन, उसको लोकल लोग बोलते हैं बिलूगा. बिलूगा बेसिकली मतलब वेल्स कैटेगरी में आती है वो. तो उसमें क्या है कि आप जैसे आइलैंड पे हो तो यहाँ से यू कैन बुक अ टूर. तो आपको वो स्पीड बोट में, राफ्ट सी होती है, स्पीड राफ्ट बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसमें आपको लेके जाते हैं. एंड देन यू कैन सी द बिलूगास रियली क्लोज, मतलब काफ़ी क्लोज देखी है मैंने, नीचे ऐसे तैरती हुई, और वो ऊपर आके खेलती वेलती भी हैं. तो रियली नाइस एक्सपीरियंस. अगर आप रशिया जाएं तो डू प्लान सोलोवेस्की आइलैंड्स. मतलब मैं तो बोलूँगा मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग कुछ भी नहीं है उसके सामने. यू शुड गो टू प्लेसेस लाइक कीजी आइलैंड, सोलोवेस्की आइलैंड, पेट्रोजावोस. तो ये सारे व्लॉग्स भी पड़े हैं चैनल. हाँ जी, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. इफ़ यू लाइक्ड इट, प्रेस लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी अगली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें. And you can follow me on Instagram as well @the_punjabi_wanderer. And I will see you in the next video. Goodbye.